हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स ने आज एक और नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि है इन्फिनिक्स नोट 11S। अब इसको आप इन्फिनिक्स नोट 11 का बड़ा भाई भी बोल सकते हैं, जो कि कल ही इंडिया में लॉन्च हुआ। लेकिन मैं इसको एक और ऑप्शन बोलूंगा आपके पास जो आपको मिल गई है, क्योंकि कुछ चीजें इसमें अपग्रेड आपको लगेंगी, कुछ चीजें आपको लगेगा कि यार डाउनग्रेड कर दिया है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, क्योंकि प्राइस का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाला जो है वो आपको 13,000 में मिलेगा इंट्रोडक्टरी ऑफर जो है, लेकिन इसका मॉडल जो है वो आपको 6/64 मिलता है, मतलब कि रैम आपको यहाँ पर 2 GB एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन और क्या क्या डिफरेंसेस यहाँ पर है, ये फोन कैसा है, ये सब चीजें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर फोन में इंटरेस्टेड है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, और चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो बॉक्स जो है इन्फिनिक्स नोट 11 जैसा ही है, और काफी सुंदर से बॉक्स है इस पर। और बॉक्स के पीछे अगेन अगर आप देखेंगे तो काफी सारे हाईलाइट्स यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे, अगेन सबसे पहले आपको यहां पर फोन रखा हुआ मिल जाएगा। और ये जो है ये मेरे पास थोड़ा ग्रीनिश कलर में है, थोड़ा सा डार्क ग्रीन सा कलर है, और इस तरीके का है। ये भी काफी सुंदर दिख रहा है यहाँ पर मुझे गाइस। और अभी के लिए चलिए फोन को मैं साइड में रखता हूँ और बाकी के बॉक्स कंटेंट्स आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक केबल मिल जाएगी जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल है। उसके बाद आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाएगा जो कि इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ है, और ये 33 वोल्ट की रेटिंग के साथ आता है। उसके बाद यहाँ पर एक सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, और अगेन कुछ पेपर वर्क यहाँ पर आपको मिलेगा इन्फिनिक्स का, फ्री फायर का कुछ, ये स्क्रैच एंड विन कूपन आपको मिलता है, एक्स क्लब का कार्ड है, और यूजर मैनुअल जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कवर और एक स्क्रीन कार्ड मिलेगा। और यहाँ पर कवर आप देख सकते हैं गाइस, सॉफ्ट केस है, टीपीयू केस जिसको आप बोलते हैं, और ट्रांसपेरेंट है। और एक्चुअली इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी बेहतर लग रही है, थोड़ा सा हार्ड है, उतना सॉफ्ट नहीं है, और क्वालिटी में ये बेहतर लगता है। तो यहाँ पर अगेन से गाइस एक मैट फिनिश आपको दिया गया है, जिसके नोट 11 में भी आपको देखने के लिए मिला है, और थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन हालांकि मैं यहां पर बोलूंगा। और अगर आप इसको इस तरीके से नजदीक से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो फिजिकल ओवरव्यू की बात करेंगे गाइस, तो राइट साइड के ऊपर आपको पावर की और वॉल्यूम कीज मिलेंगी। पावर की के अंदर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, और अगेन से बटन्स को ज्यादा ऊपर की जगह थोड़ा सा सेंट्रल प्लेस किया गया है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है, क्योंकि फोन का साइज एक्चुअली काफी बड़ा है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम ट्रे मिलेगा, और सिम ट्रे के बिना आप देख सकते हैं कुछ भी यहां पर नहीं है। सिम ट्रे जो है वो यहां पर गाइस डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के साथ आता है, और काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है ये, पहले भी हमने कुछ फोन्स में देखा है। यहां पर एक तरफ आप अपने दोनों सिम यूज कर सकते हैं, और दूसरी तरफ मेमोरी कार्ड भी साथ में यूज कर सकते हैं। टॉप के ऊपर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता, जिसका मतलब है कि सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक इसमें आपको नहीं मिलेगा। और बॉटम में आपको ईयरफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट, और एक प्राइमरी लाउडस्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए गाइस, ये तो हुई अनबॉक्सिंग की बात, अब बात करते हैं एक्चुअल फोन के बारे में। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इसका जो डिजाइन है वो इन्फिनिक्स नोट 11 से थोड़ा डिफरेंट है, ये राउंडेड एजेस के साथ आता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफी अच्छी है इन्फिनिक्स की। मतलब एक चीज की मैं हमेशा से तारीफ करता रहा हूं, जितने भी फोन मैंने आज तक इन्फिनिक्स के यूज किए हैं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है। प्लास्टिक है हालांकि, लेकिन क्वालिटी अगर आप पकड़ेंगे काफी स्टर्डी फील होगा, इतना बड़ा फोन है फिर भी काफी स्टर्डी फील होता है। उसी के साथ कैमरा का डिजाइन जो है इसका वो इन्फिनिक्स नोट 11 जैसा ही है, और ये भी अगेन मुझे यहाँ पर काफी अच्छा लगा है। अब इस फोन की सबसे बड़ी खासियत जो है वो गेमिंग है, मतलब के परफॉर्मेंस है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं डिस्प्ले के साथ। डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो इस फोन में एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 7 inches है, 6.95 inches का फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और ये एक IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो एक यहाँ पर अपग्रेड है, एक डाउनग्रेड है। अपग्रेड यहाँ पर रिफ्रेश रेट का है, और डाउनग्रेड यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी का है, क्योंकि यहाँ पर IPS LCD मिलेगी। और ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की अगर आप बात करें गाइस, तो इस फोन में आप मैक्सिमम 1440 pixels तक प्ले कर सकते हैं, जो कि 4K नहीं है, लेकिन एटलीस्ट फुल HD से ज्यादा बेहतर आप प्ले कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर फुल HD क्वालिटी जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और देखते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर कैसी आपको मिलती है। यहाँ पर मुझे गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी लगी है, मैं बोलूंगा। ब्राइटनेस जो है वो इस फोन में आपको 480 निट्स की मिलती है गाइस, और मेरे हिसाब से ब्राइटनेस जो है वो इस फोन में डिसेंट है। ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी देखेंगे वो आपको काफी अच्छी मिलेगी। कलर्स भी काफी अच्छे आपको दिखते हैं, और ओवरऑल अगर आप व्यूइंग एंगल्स वगैरह देखेंगे IPS LCD के हिसाब से काफी ठीक ठाक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर साइज है डिस्प्ले का,
कीजिएगा। तो अगर आप कोई मल्टी मीडिया कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए भी यूज करना चाहते हैं, उन सब चीजों के लिए ये फोन काफी अच्छी ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन में आपको मिलता है Helio का G96 प्रोसेसर, जो कि अगेन अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो ज्यादा फोन्स में आपको नहीं मिलेगा, और ये काफी ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है, मतलब गेमिंग भी आप इस फोन में अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर BGMI से टेस्ट कर सकते हैं, तो चलिए BGMI थोड़ा खेल के देखते हैं। सबसे पहले अगर आप ग्राफिक सेटिंग्स देखना चाहें कि किस ग्राफिक्स के ऊपर आप खेल सकते हैं, तो इस फोन में मैक्सिमम स्मूथ के साथ अल्ट्रा का ऑप्शन है, मतलब कि 40 FPS गेमिंग आप कर पाएंगे इस फोन में, और जायरोस्कोप आप इनेबल कर सकते हैं इस फोन में, सेंसर आपको मिलता है। तो अगर आप बेसिक के अंदर जाएंगे, जायरोस्कोप को मैंने अभी के लिए स्कोपून के ऊपर सेट किया है। सबसे पहले जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस ही आपको दिखा देता हूं, तो अगर आप देखेंगे कोई भी डिले आपको देखने के लिए नहीं मिलता। चलिए अभी गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ी यहाँ पर देखते हैं। तो यहां पर गाइस आपने देखा कि जायरोस्कोप और ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, दोनों ही चीजों की परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी आपको मिलती है। जायरोस्कोप में कोई भी डिले आपको यहां पर नहीं मिलता, और परफॉर्मेंस अच्छी होने का यहां पर दोस्तों एक और बड़ा कारण है, इसमें जो स्टोरेज है वो आपको UFS 2.2 का दिया गया है। अब एक ऐसी चीज जो इस प्राइस रेंज में ज्यादा फोन पे अगेन आपको नहीं मिलेगी, 2.2 की UFS 2.2 स्टोरेज जो है वो मुझे लगता है EMMC से बहुत बड़ा जंप है, जो कि कुछ फोन्स अभी भी इस प्राइस रेंज में आपको देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको बता दूंगा इसके, ये फोन के आपको दो मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे, एक जो अभी मेरे पास है जो कि 6GB 64GB वेरिएंट है, और दूसरा एक आपको इसका 8GB 128GB वाला वेरिएंट भी देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो रैम है वो आपको LPDDR4X देखने के लिए मिलती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यूट्यूब के ऊपर TechRJ सर्च करते हैं और आपको सब्सक्राइब का बटन रेड दिखता है, तो आपको उसको अभी ग्रे में चेंज कर देना चाहिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना चाहिए अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत जरूरी है ये चीज। अब गाइस बैटरी और चार्जिंग की बात करें, तो इस फोन में भी आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, और चार्जिंग भी इस फोन में काफी फास्ट है। 33 वोल्ट्स का फास्ट चार्जर आपको इन बॉक्स दिया गया है। जो कंपनी क्लेम करती है वो लगभग 80 मिनट्स, मतलब कि 1 घंटा 20 मिनट में आप फोन को 100% चार्ज कर पाएंगे, हालांकि मैंने खुद अभी तक इस चीज को टेस्ट नहीं किया है। अब गाइस कैमरा सेटअप की बात करें, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि एग्जैक्टली नोट 11 जैसी आपको मिलती है। यहां पर भी जो प्राइमरी कैमरा है बड़े वाला, यहां पर आपको दिखेगा वो 50 मेगापिक्सल का है। उसके बाद दो कैमरास यहां पर 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो आपको मिलते हैं, और फ्रंट में जो कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अगेन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस भी मुझे यहां पर दोनों ही फोन्स की काफी सिमिलर लगी है। कैमरा परफॉर्मेंस यहां पर आप बहुत सारे कैमरा शॉट्स देख सकते हैं जो कि मैंने इस फोन से कैप्चर किए हैं। अब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हमने ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स में देख लिया है, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। इवन इंडोर्स के अंदर जो ये कैमरा की परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छी लगती है गाइस। मैक्रो लेंस जो है वो अपना काम कर देता है, 2 मेगापिक्सल का है, लेकिन अगर आप मैक्रो फोटोज लेना ही चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इससे ले सकते हैं। और फ्रंट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे आउटडोर्स में काफी अच्छी लगी, इंडोर्स में थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे लगता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा काफी अच्छा काम यहां पर कर रहा है, अगर मैं प्राइस रेंज को यहां पर कंसीडर करता हूं। कैमरा की अगर आप बात करें, तो इंटरफेस या मोड्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल फोटो और वीडियो के मोड के बिना आपको यहां पर शूट वीडियो का मोड मिलता है, ब्यूटी मोड है, AI कैम है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है, एयर शॉट मोड, स्लो मोशन का फीचर आपको मिल जाएगा, प्रो मोड आपको मिलेगा, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स और टाइमलैप्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। स्लो मोशन की बात करें, तो रियर कैमरा से आप शूट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 240 FPS का स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको इस फोन में नहीं मिलता, तो आप या तो नॉर्मल कैमरा या फिर मैक्रो कैमरा के अंदर स्विच कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी की अगर आप बात करें, तो मैक्सिमम आप 2K वीडियोस तक शूट कर सकते हैं, 4K का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फुल HD से बेटर आपको यहां पर बीच का एक 2K का ऑप्शन दिया गया है। और कैमरास की बात कर रहे हैं, तो इस फोन की भी एक चीज आपको बता दूं कि इसमें भी आगे आपको एक आंख देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक फ्लैश लाइट है,
तो फ्रंट फ्लैश आपको मिलती है। अगर आप अंधेरे में फ्रंट कैमरा से फोटोज लेते हैं तब ये डेफिनेटली काफी हेल्पफुल हो सकती है। इस फोन में भी गाइस आपको डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, तो चलिए जल्दी से साउंड क्वालिटी यहां पर टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करके देख रहा था गाइस और मुझे लगता है कि काफी सिमिलर सा साउंड एक्सपीरियंस है अगर आप नोट 11 से कंपेयर करेंगे। और अगर आप लाउडनेस की बात करें तो अगेन से वही चीज बोलना चाहूंगा, मेरे हिसाब से लाउडनेस थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती थी, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है अगर मैं डुअल स्पीकर्स को कंसिडर करूं। लेकिन एक अच्छी चीज है कि लाउडनेस को काफी अच्छे से बैलेंस किया गया है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला बहुत ही लाउड है ऊपर वाला कम है, बैलेंसिंग यहां पर अच्छी की गई है जो कि अच्छी चीज है। चलिए गाइस फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को जल्दी से टेस्ट करते हैं। काफी फास्ट है गाइस, ये चीज मैंने इन्फिनिक्स नोट 11 में भी नोटिस किया, फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर काफी अच्छी क्वालिटी का आपको दिया गया है। चलिए फेस अनलॉक भी जल्दी से इस फोन का टेस्ट करते हैं। अगेन गाइस फेस अनलॉक भी यहां पर इस फोन में भी काफी फास्ट आपको मिलता है, मतलब पहले लॉक स्क्रीन आती है उसके बाद अनलॉक होता है, लेकिन स्पीड काफी अच्छी है दोनों ही चीजों की। और इनिशियल स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो काफी डिफरेंट आपको फील होगा पहले के इन्फिनिक्स के फोन से, क्योंकि यहां पर नया XOS का वर्जन XOS 10 देखने के लिए मिलता है जो कि एंड्रॉइड 11 के ऊपर अभी रन कर रहा है। और यहां पर फोल्डर्स का जो ग्रुप है वो काफी डिफरेंट तरीके से अभी आपको दिख रहा है। इवन अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे ब्लोटवेयर हालांकि अभी भी मैं बोलूंगा कि वैसा ही है, अभी भी काफी ज्यादा ब्लोटवेयर आपको दिया गया है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इनमें से काफी ज्यादा को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी सारी इन्फॉर्मेशन इस फोन की मिल गई होगी। अगर कुछ और सवाल है हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं कुछ और स्मार्टफोन्स की भी, और इसकी भी कुछ और वीडियोस आएंगी। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।